चलते गुजरात जहां पर कई जिले बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और इसी बीच गुजरात के वडोदरा में स्कूल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा देखने को मिला है। पहली मंजिल पर बैठे छात्र हादसे का शिकार हो गए। हादसे का भयानक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से आसमानी प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के वडोदरा के स्कूल की तस्वीरें हैं। स्कूल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा देखने को मिला है। पहली मंजिल पर बैठे ये छात्र देखिए किस तरीके से क्लास ले रहे थे और इस दौरान हादसे का ये बच्चे शिकार बन गए। यह हादसे का भयानक मंजर जो था सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ये दीवार गिरी है। बच्चे आराम से बैठे हुए थे और अचानक दीवार गिरने से वो भी नीचे गिर गए। ये बच्चे घायल हुए हैं। किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है बारिश के बाद। तस्वीरें आपके सामने, आसमानी प्रहार से गुजरात के वडोदरा के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां पर बच्चे आराम से तल्लीन से बेफिक्री के साथ पढ़ाई कर रहे थे कि एकाएक जो दीवार उनसे सटी हुई थी वो गिर गई और उस सटे हुए जो मेज और कुर्सी पर बच्चे बैठे हुए थे वो भी गिर गए। ये देखिए आराम से तल्लीन होकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक एकाएक दीवार गिर जाती है और करीब 6 से 7 बच्चे वहां पर कुर्सी मेज के साथ नीचे गिर जाते हैं। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई रिहायशी इलाके सैलाब के चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी सब डूबी नजर आई। पोरबंदर से आज बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर भी आई है। वहां पर भगवान का मंदिर सैलाब के चपेट में आ गया है। मंदिर के चारों तरफ जल प्रहार दिखाई देने लगा। पोरबंदर शहर में कुछ ही घंटों में लगभग 300 मिलीमीटर बारिश हुई है दर्ज, जिसकी वजह से कई इलाके डूब गए हैं। उधर देवभूमि द्वारका में भी 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। सभी सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। गाड़ियां पूरी तरह से इस दौरान फंसी हुई नजर आई। द्वारका में हर तरफ पानी होने की वजह से वाहन चालकों को आने जाने में खास तौर पर दिक्कतें हुई। घमालिया कस्बे में तेली नदी चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं तेली नदी में बाढ़ से महाप्रभु जी की गद्दी के पास सड़क बंद हो गई है। तो गुजरात के द्वारका में महज 2 घंटे की बारिश से कई रिहायशी इलाके दरिया में तब्दील हो गए। 2 घंटे की बारिश में सड़कें झील बन गईं और लोगों की दुकानों में पानी भर गया। सड़क पर जल भराव होने की वजह से कई गाड़ियां भी उसमें फंस गईं और लोगों को जरूरी काम से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इस पानी के दरिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। तो यहां पर देखिए किस तरीके से घुटनों पाजी कमर कमर तक पानी है और इस दरिया से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, चाहे ऑफिस जाने के लिए, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए ये आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि सड़क है या फिर तालाब दरिया बन चुकी है सड़कें और इन सड़कों से पार होते हुए गंदगी के बीच में लोगों को गुजरना पड़ रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिल रहा है। मुंबई और मुंबई के उपनगर में बरसात ने कोहरा मचाकर रख दिया है। तूफान पर नदी नालियां और सबके बीच में आपको शहर का नजारा दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए थोड़ी ही बारिश में किस तरीके से सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। ऐसे में आम लोगों को खास तौर पर आने जाने में दिक्कत हो रही है। और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए राजस्थान सुपर 100।